Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. तो हेलो एवरीवन, दिस इज मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मीनिया। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अपनी कार में इंस्टॉल करने वाले हैं डोम लैंप्स को। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी कार में फिलहाल एक ही आगे का फ्रंट लैंप है और पीछे कोई भी ऐसा लैंप आपको देखने को नहीं मिलता है। तो सिर्फ ये इसी कार में नहीं, मतलब काफ़ी सारी कारों में प्रॉब्लम आती है। रात के टाइम पे अगर आपके पीछे वाली रो में भी अगर आपको लाइट मिल जाए तो एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। इवन काफ़ी सारी कार्स में यहाँ बीच में लैंप आता है, पर इसमें जो है सिर्फ फ्रंट में। आज की इस वीडियो में हम एक एक्स्ट्रा लाइट अपने यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो गाइज, उसको हम फिट इसी के साथ करने वाले हैं। कनेक्शन कोई आपको एक्स्ट्रा कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के साथ वायरिंग करने वाले हैं। अगर मैं इस लाइट की बात करूँ तो ये लाइट मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है एज़ यूजुअल। अगर आपको ये लाइट लेनी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी इसे आराम से खरीद सकता है। ये मेरे ख्याल से 150 या फिर 160 का आता है, और इसकी जो डिलीवरी होती है 40 रुपीज़ की होती है, मतलब 200 रुपये में आपको पूरी लाइट मिल जाती है। और अगर आप इंस्टॉलेशन बाहर से कराते हैं तो शायद से आपके 100 रुपये वो चार्ज कर सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, अब हम वायरिंग की बात कर लें एक बार। तो हम वायरिंग जो है इसी लाइट के साथ करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि इसके यहाँ पे कपलर्स लगे होते हैं अंदर पे, तो मैं उन्हीं के साथ कनेक्शन करूँगा डायरेक्ट। अगर आपकी कार नई है, वारंटी के अंदर है, तो भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे कपलर्स में फिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगा, तो आप आराम से इसमें फिट कर सकते हैं। वारंटी अवॉइड होने के चांसेस नहीं है। अगर आपकी कार थोड़ी पुरानी हो चुकी है, जिसकी वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, तो आप इसमें कट मार के भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार हम अपनी लाइट को खोल के देखते हैं कैसी आखिर हमें लाइट देखने को मिलती है। अगर आपको लेनी होगी आप ले सकते हैं, काफ़ी सारे मतलब वैरायटी में मिल जाएगी आपको। मैं आपको फोटोज़ दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप इस टाइप के देख सकते हैं, डिज़ाइन ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमें डोम लैंप देखने को मिल जाते हैं, और ये हमारे नॉर्मल लैंप के जैसे ही हैं। इसमें आपको तीन टाइप के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बीच में अगर आप इसे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर कर देंगे तो ऑन हो जाएगी, और इधर कर देंगे तो जैसे डोर होते हैं ओपन, तो उस टाइम पर ये लाइट भी जलेगी। वायरिंग की बात करें तो वायरिंग की लेंथ भी काफ़ी अच्छी दी गई, 3 वायर आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम इसका कनेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसे कैसे कनेक्ट करने वाले हैं 3 वायर्स को। इसको हम इंस्टॉल करने से पहले इसकी वायर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि जो इसमें वायरिंग दी गई है वो सफिशिएंट नहीं है और पूरा इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। तो इसकी वायर्स को फिलहाल हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो इसकी लेंथ है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया वायर की, और ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। एक बार हम यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं कि हम इसे कहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो मैं इसे सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे सही रहेगा, और ज़्यादा पीछे करूँगा अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा होल कर लेते हैं, जिससे वायर को हम आगे डाल सकें। तो पहले मैं पूरा होल करता हूँ, उसके बाद इसके नट फिट करने के लिए भी बहुत सिंपल है, तो वो तो आराम से हो ही जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक होल कर लेते हैं, और होल मैं एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से करने वाला हूँ। Is broken
and one is faith. Because I have seen you fall apart, I have known rules. अब देख सकते हैं हमने यहाँ से अंदर तो डाल दिया, पर इस वायर को आगे निकालने में थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक चीज़ करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे जो इसके कर्व थे, लॉक्स थे, वो हटा लिए हैं, और वहाँ से मैं वाइज़र हटा लेता हूँ, इधर का भी वाइज़र हटा लेता हूँ, तो ये तो दो मिनट में खुल जाएंगे। उसके बाद हम वायर को आराम से आगे ले आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से फोर्स करेंगे ना तो हो सकता है कि यहाँ पे टूट जाए। टूटे का मतलब एक लाइन जैसी पड़ जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं फटाफट से पहले उन सबको खोल लेता हूँ और वायर को पूरा आगे निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। फाइनली हमने जो है यहाँ पे इसको आगे निकाल लिया, और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी इसको पूरा करने में। बट फाइनली जो लाइट है वो ऊपर अटक चुकी है, अभी हम इसमें सिर्फ नट लगाएंगे तो अच्छे से प्लेस हो जाएगी। तो गाइस इसकी मैं एक बार पूरी अच्छे से यहाँ पे वायरिंग कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल वायरिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तीन कनेक्शन है और इन तीनों में ही आपको इसे कनेक्ट करना है। कपलर से करना चाहें तो आप इसके आगे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैं कैसे फिट करता हूँ। तो चलिए अब इसको मैं पूरा फिट कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं हर चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इसको मैं डायरेक्ट फिट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हमने फ्रंट से जो है अच्छे से कनेक्शन कर लिया है, और यहाँ पे भी जो है लाइट अच्छे से वर्क करने लग गई। जैसे मैं आपको जला के दिखा दूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत बढ़िया है इस लाइट का रिस्पॉन्स है। शायद उस वाली लाइट से तो कहीं ज़्यादा ब्राइटर ये वाली लाइट मुझे देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये वही काम करते हैं। इस साइड करेंगे तो जैसे हम डोर खोलेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, और जैसे हम डोर बंद करेंगे ये लाइट ऑफ हो जाएगी। तो मतलब वर्किंग बहुत अच्छी है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, और इसको प्लेस करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे आपको नट लगाने होंगे अंदर, और आराम से इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको पूरा फिट कर लेता हूँ। तो गाइज इसके साथ जो ये नट आए थे बिल्कुल मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, एकदम निकल जा रहे हैं। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा बैकअप के लिए मेरे पास नट था, इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इस नट से एकदम जल्दी फिट भी हो जा रहा है और अच्छे से घूम भी जा रहा है। और इस वाले में क्या हो रहा है ना कि जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी पकड़ भी अच्छे से नहीं आ रही है और एकदम फिट भी नहीं हो रहा है। तो इसके नट्स थोड़े बेकार हैं। जो है हमारी लाइट अच्छे से लग चुकी है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमारी लाइट कैसी लग रही है। और फिटिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो है लाइट फिट हो चुकी है ऊपर, और अभी डे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। गाइस रात में तो ये बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होने वाली है, क्योंकि फ्रंट में आप देख सकते हैं बहुत मतलब बहुत कम है उसकी जो रोशनी है, बहुत कम है और इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये पूरी मेरे ख्याल से इसमें नहीं भी होंगी तो बहुत सारी LEDs हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वर्क भी अच्छा कर रही है, जैसे अगर आप बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप डोर के साथ कनेक्ट करना चाहें तो डोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप डोर खोलेंगे तब ये लाइट जलेगी और बंद हो जाएगी। बाकी अगर आप इसे हमेशा के लिए ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मतलब ये जब तक आपको कुछ रीडिंग वगैरह कुछ भी करनी है तब तक ये ऑन रहेगी। ठीक है, तो गाइस अभी आपने डे टाइम का तो पूरा सीन देख लिया, अब एक बार आप पूरा रात का सीन देख लीजिए कि ये रात में कैसा वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों सीधे रात में मिलते हैं। तो गाइस अभी जो है प्रॉपर अच्छे से रात हो चुकी है, और ये जो टाइम है बहुत परफेक्ट है। इस टाइम पे आप देख पाएंगे कि जो इसकी लाइट है वो कैसी है। एक बार मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसकी लाइट आपको मैं चेकआउट कराता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट की जो लाइट है कुछ भी नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। पूरा कैबिन जो है ना आगे तो कुछ भी नहीं चमक रहा जितना पीछे का चमक रहा है हमारा। पीछे जो कैबिन है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पीछे कैबिन का। पीछे की लाइट जो है ना गाइस बहुत अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू द फ्रंट वन। फ्रंट की जो लाइट है वो नॉर्मल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है अंदर से कार। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी अगर हम फ्रंट की बात करें सिर्फ, तो इसको हम ऑफ करते हैं, सिर्फ फ्रंट की देख सकते हैं कुछ भी लाइट नहीं है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डल है। और पीछे की अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो आप खुद फ़र्क देख सकते हैं। पीछे जो है इतनी अच्छी लाइटिंग हो चुकी है ना, अच्छे से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, अच्छे से रीड कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप सिर्फ फ्रंट की रियर लाइट्स खोलते हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने सिर्फ रियर की लाइट्स खोल रखी हैं और आगे की लाइट्स जो है वो बंद है। और इस टाइम पे पता सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर आप फ्रंट की लाइट खोलते हो तो आपको कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है रात के समय गाड़ी चलाने में। पीछे की लाइट खुली है, मैं आराम से यहाँ पे कुछ भी रीड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ड्राइवर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो गाड़ी चला रहा है उसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि पीछे, मतलब उसको इरिटेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया इसकी रोशनी है। ठीक है, तो अभी हम बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है, और अगर हम इसे खोल देते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो मैं लूं
así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi लाइट जो है बहुत परफेक्टली फिट है, ऐसा नहीं कि लाइट निकल रही है, आप देख सकते हो। अभी तो शायद उतने से आपको सामने नहीं आएगा, मैं फ्लैश लगा के दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हो ना, ये लाइट बहुत ज़्यादा परफेक्टली फिट है, ऐसा नहीं कि निकल रही है। ये देखो आप, मैं से पूरी कोशिश भी करूँगा ना तब भी ये नहीं निकलेगी। ओके गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। कस्टमेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।